Hi guys, welcome back to my channel. It's been long, I know, but welcome back to my channel. You're watching Vidhi's vlog. My name is Vidhi. Hi, अगर आप नए हैं, welcome back. मेरा नाम है विधि कालरा और मैं बनाती हूँ lifestyle vlog. So मैं YouTube shorts में videos update कर रही थी और आप लोगों को reason पता चल चुका होगा कि मैं आजकल vlogs क्यों नहीं डाल पा रही थी. So yes, my life has been changed drastically. हम लोग एक new phase की तरफ जा रहे हैं. So due to this, मैं update नहीं कर पा रही थी and I was waiting for the right time and it was the right time. So I thought कि अब मैं आपको update करूं. तो मैं आ चुकी हूँ अपने third trimester पे and आज हम जा रहे हैं mall. मुझे बहुत सारी चीज़ें खरीदनी है, तो चलिए आप मेरे साथ आइए मेरी हमारी new journey पे. So as I've mentioned that it's been मतलब मैं third trimester में आ चुकी हूँ, तो अब बहुत सारी shopping करनी है. Basically ना मुझे allowed भी नहीं था कि मैं ज़्यादा travel कर सकूँ या मैं ज़्यादा चल सकूँ. So इस चक्कर में I was not able to make video. और आवाज़ से पता चल रहा होगा मुझे कितनी जल्दी सांस चढ़ रही है, तो मुझे बहुत जल्दी सांस भी चढ़ती है. इस चक्कर में मैं ज़्यादा नहीं बना पा रही थी. बट गाइज, मैं YouTube शॉर्ट्स में अपडेट कर रही थी, Instagram में भी. मेरा जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में होता है, प्लीज़ आप वहाँ जाओ और मुझे फॉलो करो. तो मैं वहाँ पर अपने अपडेट्स करती रहती हूँ, प्लस यूट्यूब शॉर्ट्स में तो मेरे अपडेट आते रहते हैं. सो प्लीज़ जल्दी से जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. अगर अभी तक आपने नहीं करा तो कर लीजिए. तो अब मैं आपको मिलती हूँ शिवनत के साथ. हाय तो कर दो. तो हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं मॉल. पता नहीं आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है या मैं बाद में डालूंगी, बट अगेन हम पहुंच चुके हैं. फिर हम लोगों ने शॉपिंग स्टार्ट करी थी बेबी की एंड वन बाय वन सारे शॉप पे गए. बहुत अच्छी थी. स्पेसिफिकली मैंने यहाँ से मीमी से मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स लिए. इट वाज रियली नाइस, बहुत अच्छा था. इसको मैं हाईली रेकमेंड करूँगी. अगर आप वुड बी पेरेंट हो और आप पेरेंट हो और आप कहीं अच्छी जगह ढूंढ रहे हो, प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू भी डिसेंट हो, तो दिस इज़ द प्लेस फॉर यू. आई रियली एंजॉयड, हाईली रिकमेंड यू. उसके बाद हम लोग गए थे नैंडोज एंड आई एंजॉयड अ लॉट. स्पेसिफिकली क्योंकि मुझे पूरी प्रेगनेंसी में अलाउ नहीं था बाहर जाना, प्लस मेरे को बेड रेस्ट था, सो दैट इज़ द रीज़न. अब ये लास्ट का टाइम था तो आई वॉज इन्जॉइंग लाइक एनी थिंग, तो बहुत मज़ा आया था. मैंने सबको बोला था आपसे मिलवाऊंगी, आपने हाई भी नहीं करी. लुक एट हिम. आज हम शॉपिंग कर रहे हैं, बेबी शॉपिंग. और ये आदमी बहुत लेट हुआ है आज. चलो अब हम लोग जा रहे हैं नीचे पार्किंग में, मैं मिलती हूँ आपको. हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर डे. सो मैंने आपको दिखाया था उस दिन हम लोग मॉल गए थे एंड आई वाज डूइंग अ शॉपिंग, बेबी शॉपिंग चल रही थी. सो उसके बाद हम लोग लेट हो गए थे एंड ऑनेस्टली मैं भी इस ऐसी सिचुएशन में हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ. तो अभी हम लोग मैं अभी रेडी हो रही हूँ, बस अपना ये लिप ग्लॉस लगा रही हूँ. शक्ल दिख रही होगी थकी हुई हूँ, क्योंकि सुबह से हम लोग अपना ना अल्ट्रासाउंड, मेरा आज अल्ट्रासाउंड था तो मैं वहाँ पर गई हुई थी. तो वहाँ गई, वहाँ से वापस आई हूँ. इतनी गर्मी है वो गॉड, लाइक इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, सर पे लगती है. एंड आई एम रियली टायर्ड, बट आई हैव टू गो टू अनदर शॉप. मैं वहाँ पे आपको दिखाऊंगी, वो भी बेबी शॉप है वहाँ पे भी. तो मुझे सामान लेना है कुछ अपने लिए भी और आने वाले उस बच्चे के लिए भी. तो सो आई एम गोइंग ओवर देयर, तो मैं आपको मिलूंगी वहाँ पे. बाकी आई एम वेयरिंग दिस माय फेवरेट लिप ग्लॉस फ्रॉम रिकॉर्ड स्टूडियो प्रो. ये मेरा बहुत फेवरेट है, सो मैं ये यूज़ कर रही हूँ. और मैं कुछ नहीं लगा रही हूँ, ना मैं क्रीम लगा पा रही हूँ, बिकॉज इतनी गर्मी है कि अभी हम लोग मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ. सो आई एम जस्ट हल्का सा, मैंने बस काजल लगाया, वो भी सुबह का लगा हुआ है. मैं नहीं अभी कुछ लगा रही हूँ, सिर्फ लिप कलर एंड आई एम गोइंग आउट. तो मैं आपको मिलती हूँ अभी, शिवनित से भी मिलवाती हूँ आपको. दिस इज़ द प्लेस चाइल्ड जंक्शन, अगर आप देख रहे हो. यहाँ से भी मैंने बहुत सारी शॉपिंग करी थी अपनी न्यू बॉर्न के लिए एंड इट वॉज रियली नाइस. अभी हम लोगों ने ऑर्डर करा है मौसमी जूस और हम लोगों ने कर ली है शॉपिंग और अब निकल रहे हैं हम.
शिमनत क्या खाने जा रहे हो आप? देखते हैं आंटी मोमोस। मोमोस खाने जा रहे हैं हम नहीं सिर्फ मैं। हाँ मतलब शुभिक आएगा मैं नहीं। तो हम लोग ले रहे हैं यहाँ से मोमोस। कैसा है जेन्युइन रिएक्शन? गुस्से में है? लेट हुआ। हाँ कैसा लग रहा है आपको ये? आशुभी का लंच नहीं हुआ है बिकॉज हम लोग बाहर थे, क्योंकि एज आई टोल्ड यू हमारा अल्ट्रासाउंड था, तो हमारा मतलब बोले तो मेरा, तो हम वहाँ पे थे। तो शुभिक आज लंच स्किप हो गया, तो आज बेचारा मोमोज खा के। शॉपिंग हमने कर ली है, मैंने आपको दिखा दिया। शुमनत इज सो हंग्री बेचारा, मतलब वो मोमो ज़्यादा मैदा नहीं खा सकता है ना, तो इसलिए बस एक ही प्लेट में अपना पेट भर रहा है। मैंने अपने लिए कोल्ड कॉफ़ी कर दी है। मोमोज खाने का मेरा भी मन है लेकिन अजीनो मोटो है तो मैं नहीं खा सकती हूँ। तो इसके बाद हम निकल रहे हैं घर और मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। मैंने अभी करी है कोल्ड कॉफ़ी, तो मैम जस्ट वेटिंग फॉर कोल्ड कॉफ़ी। शुभी बहुत अच्छी है कॉफी। यो मैं खा रहा हूँ। इट्स नेक्स्ट डे, तो आज भी हम लोग को डॉक्टर के पास जाना था तो वहाँ गए थे, वहाँ से चेकअप करवा कर आ गए हैं और एक आधा एक्स्ट्रा मेडिसिन एंड बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं। तो अभी हम जा रहे हैं मॉल, मैं और शुभी। से हाय। हेलो एवरीवन। तो हम लोग जा रहे हैं मॉल। आइसक्रीम तो नहीं खानी? नहीं खानी, नहीं। मुझे आइसक्रीम भी मना कर दी डॉक्टर ने। तो हम जा रहे हैं मॉल, मेरे को थोड़ा सा सामान लेना है प्लस आई नीड समथिंग। तो अब मैं आपको मिलूंगी सीधा मॉल। बहुत गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत धूप है। सो आज फाइनली शुभी गॉट अ टाइम, उसको नहीं मिलता है और मैं आई एम सुपर एक्साइटेड कि आज टाइम मिला है। तो हम लोग जा रहे हैं और मैं अपना थोड़ा सा सामान ले लूंगी, तो मैं आपको मिलती हूँ सीधा मॉल में। सो फाइनली वी रीच्ड मॉल और वहाँ पे देखा कि लेक्सस कार की डिस्प्ले है एंड शुभनित कुडंट रेजिस्ट, तो वो डेफिनेटली गया, उसने पूरा चेकआउट किया है हर एक चीज़ इस गाड़ी के बारे में। ही इन्जॉयड अ लॉट। अच्छा मैंने भी बहुत इन्जॉय किया क्योंकि मैं बैक टू बैक मॉल जा रही हूँ, शॉपिंग कर रही हूँ अपने लिए भी और आने वाले के लिए भी। एंड इट वॉज लाइक 8.5 मंथ के बाद ही मैं बाहर निकल पाई। पूरी प्रेगनेंसी मेरा बेड रेस्ट था, सो ड्यू टू दिस आई वॉज नॉट एबल टू क्रिएट एनी वीडियो, बट मैं यूट्यूब शॉर्ट डाल रही थी, मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी क्योंकि मैं कहीं नहीं जा पा रही थी। एंड आई हैड अ ग्रेट टाइम। 2 hours later. सो फाइनली हम लोगों ने शॉपिंग कर ली थी, सब कुछ चेकआउट करने के बाद हम लोग गए थे रेस्टोरेंट फॉर लंच। एंड लंच हमने किया था यम यम चा में। बेसिकली मुझे पता चला था ये रेस्टोरेंट एशियन फूड सर्व करती है विदाउट अजीनोमोटो, एंड इन प्रेगनेंसी यू कांट कंज्यूम अजीनोमोटो एज पर द डॉक्टर, इट्स नॉट गुड फॉर योर बेबी। सो मैंने पूरी प्रेगनेंसी में एक कुछ भी नहीं खाया था चाइनीज़ फूड, सो दिस वॉज माई फर्स्ट टाइम, तो मैं बहुत एक्साइटेड थी एंड द फूड वॉज रियली अमेजिंग। अगर आप भी कोई ऐसा रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हो जो आपको विदाउट अजीनोमोटो सर्व करें, दिस इज़ फॉर यू। एंड मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये अच्छी लगी हो। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कॉमेंट ज़रूर करके जाना। ओके बाय।